हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे बाकी वीडियोज में भी मैंने और भी क्वेश्चन कवर किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का तुम्हें नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। ऑप्शन नंबर ए है धनावेश, ऑप्शन नंबर है बी है ऋणावेश, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धनावेश। अल्फा किरणें, जैसे अल्फा किरणें पे कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। बीटा किरणों पे ऋणावेश होता है, और जो गामा किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। और जो अल्फा बीटा और गामा किरणें होती हैं, ये कैसी किरणें होती हैं? आदर्श किरणें होती हैं। कैसी किरणें होती हैं? आदर्श किरणें होती हैं। और जब इन आदर्श किरणों को, जैसे कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है, इस पे एक साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब अल्फा कणों पे को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये क्या करती है? ऋणावेश की तरफ मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? क्योंकि इन पे कैसा आवेश है? धनावेश है। और बीटा किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये क्या करती हैं? धनावेश की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि इन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और जो उदासीन होती हैं गामा किरणें, वो कैसी होती हैं? उदासीन होती हैं। और जब इनको विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये क्या करती हैं? सीधी निकल जाती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? सीधी निकल जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। तो अल्फा किरणों कैसी होती हैं? धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी बेकरल, ऑप्शन नंबर सी है जे थॉम्सन, ऑप्शन नंबर डी है पियरी क्यूरी। तो देखो, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की। किसने की? हेनरी बेकरल ने की। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गया कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो किसने की? हेनरी बेकरल ने। अब देखो, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता क्या होती है। तो हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं? स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं और आदर्श किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते रहते हैं, और ये क्या करते हैं? स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं। और इन तत्वों की खोज सबसे पहले किसने की? हेनरी बेकरल ने। और किसमें की? यूरेनियम में। किसमें की? यूरेनियम में की। तो इसका क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने यूरेनियम के अंदर की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोन, बी है नैनोमीटर, सी है एंगस्ट्रोम और डी है फर्मी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी होती है। क्या होती है? फर्मी होती है। लेकिन अपने को ये भी याद होना चाहिए कि एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है। क्या होता है? एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10^-9 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रोम बराबर 10^-10 मीटर होता है। तो अपने को, आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10^-9 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रोम बराबर 10^-10 मीटर होता है, और एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है, और जो फर्मी होती है वो लंबाई की न्यूनतम इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नीला, बी है काला, सी है सफेद और डी है लाल। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और जब हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। अब देखो वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण अर्थात वायु की परत को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में कि अंतरिक्ष में क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हिमीकरण, ऑप्शन नंबर बी है पिघलना, ऑप्शन नंबर सी है उद्रव्यपातन, ऑप्शन नंबर डी है वाष्पीकरण। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को उद्रव्यपातन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो उद्रव्यपातन क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? ठोस से द्रव में ना बदल के किस में बदल जाते हैं? सीधे ही गैस में बदल जाते हैं या वाष्प में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्रव्यपातन कहते हैं। और जब इनको वापस से ठंडा किया जाता है तो वापस से गैस से ही सीधे किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल होते हैं कपूर, नैप्थलीन, ये क्या होते हैं? सीधे ही ठोस से किस में बदल जाते हैं? वाष्प या गैस में बदल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत रोधक, ऑप्शन नंबर बी है कुचालक नॉन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी है चालक कंडक्टर और ऑप्शन नंबर डी है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन होता है वो कैसा होता है? अर्धचालक होता है। कैसा होता है? अर्धचालक होता है। तो देखो सिलिकॉन मतलब अब देखो अर्धचालक क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता या विद्युत चालकता चालक से तो क्या होती है? कम होती है। चालक से तो क्या होती है? कम होती है। और कुचालक से क्या होती है? ज़्यादा होती है। कुचालक से तो क्या कैसी होती है? ज़्यादा होती है। और अर्धचालक और चालक से क्या होती है? कम होती है। तो सिलिकॉन कैसे पदार्थ होते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कैसे होते हैं? अर्धचालक होते हैं। और अब अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी विद्युत चालकता चालक से कम और कुचालक से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च और डी है विटामिन। तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। कि लार हमारी सलाइवरी ग्लैंड से क्या होती हैं? सीक्रेट होती हैं। और जब हम भोजन को चपाते हैं तो उसमें क्या मिल जाती हैं? लार मिल जाती हैं। और जो लार होती हैं वो किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किस में मदद करते हैं? स्टार्च के पाचन में। और स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट है। और जब स्टार्च को लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, क्या पाया जाता है? टाइलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी एंजाइम पाया जाता है। जो लाइसोजाइम होता है वो तो क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। और जो टाइलिन होता है वो क्या करता है? पाचन में मदद करता है। तो स्टार्च होता है टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इसको तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ता है। क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है।
अब क्वेश्चन नंबर 8, पारसेक मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है समय का, बी ऑप्शन है दूरी का, सी ऑप्शन है चुंबकीय बल का और डी ऑप्शन है प्रकाश का। तो पारसेक किसका मात्रक होता है? दूरी का। और कौन सी दूरी का? खगोलीय दूरी का। कौन सी दूरी का? खगोलीय दूरी का। तो और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक होता है? दूरी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष भी। तो अपने को याद होना चाहिए कि एक पारसेक बराबर 3 × 10^16 मीटर होता है। याद रखना ये कि 1 × 10^16 मीटर होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर। कितना होता है? 10^15 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि 1 × 10^16 मीटर होता है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर, ये इम्पोर्टेंट है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^15 मीटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो देखो पहले तो अपने को कि वनस्पति तेल होता है वो कैसा होता है? असंतृप्त वसा है। कैसी वसा है? असंतृप्त वसा है। और जो वनस्पति घी है वो कैसी वसा है? संतृप्त वसा है। कैसी वसा है? संतृप्त वसा है। तो देखो वनस्पति तेल है, वनस्पति घी है, वनस्पति घी से और वनस्पति घी वनस्पति तेल से सॉरी वनस्पति तेल से वनस्पति घी जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? वनस्पति तेल में क्या होता है? ये असंतृप्त वसा है और असंतृप्त वसा है तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और जो वनस्पति घी है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कि संतृप्त वसा है। तो वनस्पति घी में क्या है? हाइड्रोजन की क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। तो इस कारण इसमें क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। और वो भी किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे क्या होती है? ये अभिक्रिया जल्दी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को जल्दी से संपन्न करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा कि निकल का। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? निकल का। अब देखो एक है लोहे का चूर्ण, तो अमोनिया बनाने में जो हेबर विधि यूज में लेते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, चेचक होने का कारण है। तो चेचक फर्स्ट ऑप्शन है रूबेला वायरस, सेकंड ऑप्शन है मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर सी है वीरियोला वायरस और ऑप्शन नंबर डी है वेरिसेला वायरस। तो देखो हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? वेरियोला वायरस। चेचक होने का क्या कारण है? वेरियोला वायरस। और जो चिकन पॉक्स होता है, मतलब चेचक का ही नाम है, तो जो होता है वो क्या, एक संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। और ये क्या होता है? बहुत ही तेजी से फैलता है। क्या करता है? बहुत ही तेजी से फैलता है, क्योंकि हमारे शरीर पे क्या करते हैं? लाल लाल चकते से बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं? पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक क्या करता है? पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि चेचक के टीके का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? चेचक होने का कारण है कौन सा वायरस है? वेरियोला वायरस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, कार के पीछे
आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण का और ऑप्शन नंबर डी है गोलीय दर्पण का। तो देखो कार के पीछे आने वाले कि जो साइड मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है कि वस्तु में सीधी दिखाई देती है लेकिन आकार में कैसी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और आकार में कैसा बनता है? छोटा बनता है। और जो कार का जो साइड वाला मिरर होता है वो किसका बना होता है? कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है निर्जलित बर्फ, ऑप्शन नंबर सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ों पर पड़ी बर्फ। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? कैसी होती है? शुष्क बर्फ होती है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे घरों में जो बर्फ होती है ना वो बनती है किससे बनती है? वाटर से। किससे बनती है? वाटर से। लेकिन जो ड्राई आइस है मतलब शुष्क बर्फ है वो किससे बनती है? CO2 की सहायता से। किसकी सहायता से बनती है? CO2 की सहायता से। अब मान लो कि हमारे घर में जो बर्फ होती है वो किसी कपड़े पे रखते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या हो जाता है? गीला भी हो जाता है। क्या हो जाता है? गीला भी हो जाता है। लेकिन जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जब कपड़े पे रखते हैं तो कपड़ा इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है लेकिन वो गीला नहीं होता। क्या नहीं होता? गीला बिल्कुल नहीं होता। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो याद रखना, तो शुष्क बर्फ का उपयोग की खाना बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठोस मतलब शुष्क बर्फ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? शुष्क बर्फ का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है शुष्क बर्फ है तो सो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या है? ठोस बर्फ है। अब क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है रंध्र के द्वारा मतलब स्टोमेटा, ऑप्शन सी है रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम के कारण। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा मतलब रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। क्योंकि पौधों की पत्तियां जो पौधों की लीव्स होती हैं उन पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे हमें रंध्र दिखाई भी देते हैं और उन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखो आपने सुना होगा कि जो रंध्र होते हैं वो रात्रि में बंद हो जाते हैं और दिन में क्या होते हैं? स्टोमेटा खुले रहते हैं केम पादपों को छोड़ के। जो केम पादप होते हैं उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं? रात्रि में तो क्या रहते हैं? खुले रहते हैं और दिन में क्या होते हैं? बंद होते हैं। लेकिन अधिकतर रंध्र होते हैं वो दिन में खुले रहते हैं और रात्रि में क्या होते हैं? बंद होते हैं। क्योंकि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र ही वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। क्या करते हैं? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में भी हेल्पफुल होते हैं। तो देखो पौधों की केसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए है हृदय रोग हृदय, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े, सी है गुर्दे और डी है पलिया। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पलिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो मलेरिया है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्या है मलेरिया का? मलेरिया किसके द्वारा होता है?
प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण, किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। और इसका वाहक कौन होता है? संक्रमित मादा एनाफ्लिज मच्छर। कौन होता है? संक्रमित मादा, नहीं कि नर, मादा एनाफ्लिज मच्छर। तो इसमें क्या होता है, पल्लिया की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पलिया। अब क्वेश्चन नंबर 15, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर है ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है शर्करा, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी है जल। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। वो जो डेंगू बुखार है वो क्या किसके द्वारा होता है? एडीज एजिप्टाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एडीज एजिप्टाई के द्वारा होती है। और जो डेंगू बुखार में क्या होता है कि जोड़ों में क्या होने लगता है, भयंकर दर्द होने लगता है, तेज बुखार होता है, और क्या हो जाता है, और रक्त में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। और डेंगू बुखार का वो किसके द्वारा होता है? एडीज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 16, सिलिकोसिस एक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुर्दे संबंधी बीमारी, ऑप्शन नंबर बी है यकृत संबंधी बीमारी, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े संबंधी बीमारी, ऑप्शन नंबर डी है अव्यवस्थित तंत्रिका। तो सिलिकोसिस फेफड़े संबंधी बीमारी है। क्या है? फेफड़े संबंधी बीमारी है। अब देखो सिलिकोसिस क्या होता है कि जब धूल के कणों में उपस्थित सिलिका जब श्वास के साथ मनुष्य के फेफड़े में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। और सिलिका के लगातार फेफड़ों पर पहुंचने पर क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो ये सिलिका क्या होती है? फेफड़े संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस क्या है कि फेफड़े संबंधित बीमारी है। अब क्वेश्चन नंबर 17, रक्त समूह जिसमें एंटीजन मतलब प्रतिजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी, ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो देखो हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। ये क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट है कि ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें तो कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होते। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब सर्वग्राही। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह जिसमें एंटीजन नहीं है तो कौन सा होगा? ओ। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है H2S, ऑप्शन नंबर सी है CO2, ऑप्शन नंबर डी है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो CH4, H2S और CO, ये तीनों ही जैसे किससे उत्पन्न होती हैं? बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या होती है? बायोगैस के संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है।
क्या नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। अब देखो जो बायोगैस होती क्या है, तो बायोगैस कि बायोगैस क्या है यूजुअली कि जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त वैध पदार्थ क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा जल की उपस्थिति में क्या होते हैं, आसानी से सड़ते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जलने पे क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता, क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। और जो बायोगैस संयंत्र उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेथेन होता है, क्या होता है, मेथेन होता है, वो 60 से 75% होता है। कितना होता है, 60 से 75% होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 25 से 45% के बीच में होती है। कितनी होती है, 25 से, उसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होती है, कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, गोइटर, मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं घेंगा, गोइटर को क्या बोलते हैं, घेंगा। थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो जो थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसके कारण होती है, आयोडीन के कारण होती है। क्या होती है, आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाती है, थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाते हैं, असामान्य तरीके से क्या होती है, बढ़ने लगती है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, हमारी नेक, गर्दन में होती है, कहाँ होती है, गर्दन में होती है। तो इसी आयोडीन की कमी के कारण गोइटर, घेंगा, गलगंड रोग आदि हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, एक हीटर के तार किस चीज का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। कि हमारे घर में चाहे हीटर हो, ओवन हो, गीजर हो, सभी के तार किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के ही बने होते हैं। क्योंकि नाइक्रोम जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, उसको हीट की फॉर्म में क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, क्या कर लेता है, हीट की फॉर्म में क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपको लग रहा होगा कि टंगस्टन, तो टंगस्टन क्या होते हैं, जो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो टंगस्टन के बने होते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि हीटर के तार किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। क्योंकि नाइक्रोम क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको क्या कर देता है, हीट की फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।